नमस्कार, मैं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं रेवाड़ी हलचल। और जैसा कि आपको पता है, हमारा चैनल आप तक पहुंचाता है हर खबर ग्राउंड की, जो भी जानकारी होती है, चाहे अच्छी हो बुरी हो किसी भी तरह की। और आजकल देखिए खेलों का रुझान बच्चों में किस तरह से बढ़ रहा है। आज एक और इसी तरह की न्यूज आपके सामने लेकर आए हैं, जहाँ मंदोला गाँव में खेलों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कबड्डी और वॉलीबॉल के मैच होने जा रहे हैं 2 तारीख को कल। तो सभी दर्शकों से और सभी खिलाड़ियों से निवेदन भी है कि सभी खिलाड़ी इस ग्राउंड में पहुंचे और सभी दर्शक भी आए, जो भी खेल प्रेमी हैं। तो हमारे साथ काफी युवा खेल प्रेमी और खिलाड़ी, हमारे साथ कोच साहब भी हैं और काफी गांव के भी युवा बने हुए हैं। उनसे हम बातचीत करवाएंगे कि किस तरह से उन्होंने ये प्लान किया, एक खेलों का आरंभ किया और कब से खेल इस गांव मंदोला में चलते आ रहे हैं और किस तरह का रुझान बनता है लोगों का, वो बात करवाएंगे हम। यहाँ काफी लोग हमारे साथ बने हैं, उनसे हम बात करवाते हैं आपकी। हमारे साथ हैं मास्टर हरीश जी, वो बताएंगे खेलों के बारे में कि गुरु जी किस तरह से आपने ये जैसे कि टीम तैयार की, आपने एक कमेटी टाइप लोगों ने इकट्ठा होकर खेलों का आयोजन करने का जो प्लान बनाया, किस तरह से विचार आया और कब से चल रहा है और क्या किस तरह से खेल होंगे, क्या कुछ नियम व शर्तें हैं आपकी, वो थोड़ा डिटेल में बताइए। भाई थोड़ा नजदीक आ जाओ। हमारे गांव में एक नवंबर 66 से लगातार ये खेल होते आ रहे हैं। बीच में कारणवश ये 6-7 साल बीच में नहीं हो पाए, हम सभी युवाओं ने मिलकर इसको फिर शुरू किया है और हमारे DCM साहब जसवंत सिंह मंदोला जो अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर रहे, उन्होंने ये टीम खड़ी की थी, उनकी टीम खड़ी हुई है, उन्होंने ये खेलों का आयोजन पुनः शुरू करवाया है जी। वॉलीबॉल समय सिंह और कबड्डी डू एंड डाई 1 नवंबर 1966 से आप गांव में, और 10 साल लगातार 1972 से लेकर 1982 तक हमारी कबड्डी की टीम अजय रही, किसी भी मेले में हमारे गांव की टीम हारी नहीं किसी से भी। रिकॉर्ड रहा है लगातार 10 साल। आज अगर हम बात करें खेलों का रुझान बच्चों में, जिस तरह की काफी पिछड़ा हुआ है अपना क्षेत्र, क्योंकि रेवाड़ी महेंद्रगढ़ में खासकर पहले खिलाड़ियों के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज गुरुजी हम बात करते हैं तो हमारे गांव में कुछ ही चुनिंदा प्लेयर मिलते हैं। हाँ, आजकल कम प्लेयर है, इसलिए हमने ये सोच के बैठक करके आपस में सभी ने बात करके अब भाई कैसे किया जाए इसको पुनर्निर्माण पुनरुत्थान जी, ताकि बच्चों में रुचि आए और खेल सके, तो मेले का आयोजन करवाया गया जी। गुरुजी काफी दर्शक हमारे साथ बने और वो जानकारी चाहते हैं कि किस किस तरह के गेम कल करवाने वाले हैं और क्या कुछ उनकी जो इनाम वगैरह होती हैं वो रहेंगी, क्या कुछ नियम शर्तें हैं वो भी थोड़ा बताएं। वॉलीबॉल स्मैशिंग 71,000 फर्स्ट, सेकंड 51,000, कबड्डी डू एंड डाई 31,000 फर्स्ट 21,000 सेकंड जी। अब की बारी केवल 2 ही हैं, 1 नवंबर को होने थे, दीपावली कारण हम 1 को नहीं करवा पाए, इसलिए हम 2 को करवा रहे हैं जी। खिलाड़ियों के लिए किस कोई व्यवस्था, जैसे आपने खाने की खाने की और ठहरने की व्यवस्था है उनको, रात को यदि मैच लंबे मतलब ज्यादा चले, ज्यादा टीमें आ गई, अगले दिन मैच हुए तो हम यहाँ उनको आराम से रात्रि को रोकेंगे और खाना खिलाएंगे आराम से उनका जी। और कोई नियम शर्तें, जिस तरह की नियम बाहर से जो टीमें आती हैं उनका किराया की जिस तरह की बात होती है, तो टीमों के लिए खिलाड़ियों के लिए क्या कुछ निर्देश है वो भी बताएं आप। खिलाड़ियों के लिए किराया वगैरह की तो कोई व्यवस्था की टीम बात अभी कही हुई नहीं है हमें आपस में, बाकी चलो बात करेंगे कमेटी से इस बारे में जी। इसके अलावा जैसे इनाम आपने बताई फर्स्ट सेकंड थर्ड, और इसके अलावा भी कोई इनाम में है? बेस्ट प्लेयर वगैरह की सारी मिलेंगे जी, वो भी इनाम अलग से रखी हुई है जी। और मतलब खाने की व्यवस्था भी खिलाड़ियों की यहाँ पे की गई है जी। तो कल किस समय स्टार्ट रहेंगे खेल? टाइम सुबह वॉलीबॉल का 10 बजे है और कबड्डी का 2 बजे। 10 बजे और 2 बजे। एंट्री फीस कब तक का समय है? एंट्री जैसे 10 बजे है तो 10 बजे ही है, और 2 बजे है तो 2 बजे ही है, उसके बाद नहीं जी। तो और क्या कहना चाहेंगे गुरु जी? फोन पे कोई इतना लेट हो रहा है, जैसे कोई 10-15 मिनट लेट हो रहा है तो फोन पे वो मैसेज कर सकता है जी, जो भी नंबर दे रखे ना किसी के पास कर सकता है जी। थैंक यू सर। हमारे साथ बने हैं कोच साहब हिम्मत सिंह जी, उनसे भी बातचीत करवाएंगे हम। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार सर। आप काफी खेलों से जुड़े हुए हैं, आप गांव में काफी चर्चा भी है, आपके आसपास क्षेत्र में आपकी जानकारी है कि हिम्मत भाई मंदोला से इस तरह से काफी लोगों को बच्चों को गाइड भी करते हैं, आप तैयार भी करवाते हैं बच्चों की, तो क्या इन खेलों के रुझान के लिए बच्चों के कुछ मोटिवेशन दीजिए ताकि इस वीडियो से कुछ लोगों को बच्चों को फायदा हो। सबसे पहले तो सतीश भाई साहब मेरी और मेरे साथियों की तरफ से आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत जी। और जो भी कल हमारा जो टूर्नामेंट है उसमें जो भी खिलाड़ी भाग लेना चाहें और देखना चाहें, जो भी दर्शक, उन सभी का हमारी तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी ने मिलके एक ये शुरू किया है कि भाई अपने आसपास का एरिया जो भी है इसमें खिलाड़ी कम हो रहे हैं जी, बिल्कुल, तो इनको बढ़ावा देने के लिए हम लोगों ने ये मुहिम दोबारा से शुरू की गई जी हमारे द्वारा जी जी। थैंक यू जी। विजय भाई साहब नमस्कार। भाई साहब सर क्या कहेंगे, जो पहले समय में होते थे
खाने पीने को लेकर या बच्चों में आजकल किस तरह की बुरी आदतें नशे को लेकर बच्चे एक्टिव हो रहे हैं, खेलों से कहीं ना कहीं दूरी बन गई है बच्चों की, तो ऐसा क्यों, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे समाज को, अपने बच्चों को, कि खेलों की तरफ बढ़ावा मिले उनको और अपनी ये जो जनरेशन आने वाली उसमें कुछ सुधार हो पाए? मेन खिलाड़ियों के मोटिवेशन के लिए है, हमारे स्कूल में पहले 7-7 टीम होती थी जी, जो स्टेट लेवल में जाती थी। आज के टाइम में एक भी टीम ऐसी नहीं है जो स्टेट लेवल में जा रही है। तो मेन गेम करवाने का यही है कि उनका मोटिवेशन खिलाड़ियों में उत्तेजना आए, हमारे गांव के प्लेयर उभरे आगे जाए। जी, आपके गांव में भी टीम होगी शायद? थी, अभी नहीं है, फिलहाल कोई टीम नहीं है मंदोला, अभी तो नॉर्मल ही है ना, इसलिए तो मोटिवेशन कर रहे हैं भाई बच्चों को थोड़ा प्रोत्साहित करें। जी, तो ये ग्राउंड जैसे कि आप साथियों ने मिलकर तैयारी की है, यहाँ पे शायद पहले काफी कुछ असुविधाएं थी, जैसे कुछ देखने को मिल रहा है हमें, काफी कुछ सफाई यहाँ बच्चों ने करवाई है। यहाँ काफी दिन से हरीश मास्टर है, हिम्मत है, इन्होंने ट्रैक्टर से काफी सफाई किया है, बहुत अड़ंगा वगैरह था यहाँ पे, अभी तो देखने योग्य जगह हो गई है। तो देखिए आप, ग्राउंड में हम खड़े हैं, मंदोला गांव के हाई स्कूल में ये मैच होने जा रहे हैं कल, और आज देखिए ग्राउंड की कितनी सूरत बदल दी गई है, यहाँ पे काफी झाड़ बहुत जड़े यहाँ पे खड़े थे दो दिन पहले, और यहाँ बच्चों ने मेहनत करके, यहाँ गांव के युवाओं ने, साथियों ने मेहनत करके किस तरह ग्राउंड को सजाया है और तैयार किया है, खिलाड़ियों को और दर्शकों को कोई असुविधा ना हो उसके लिए पूरी तैयारियां यहाँ पे की गई है। तो कल मैच होने वाले हैं, सभी दर्शकों से बार बार यही कहा जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा दर्शक आए, खिलाड़ी पहुंचे, सभी खिलाड़ी यहाँ पे, सभी खिलाड़ियों को यहाँ सम्मान मिलेगा, इनामें मिलेंगी और काफी कुछ सीखने को भी मिलेगा। मास्टर जी हमसे कुछ और बात करना चाहेंगे? जी सर, क्या कहेंगे? और गांव के बच्चों से ये अपील है कि सुबह फुटबॉल के लिए यहाँ ज्यादा से ज्यादा आए, फुटबॉल खेलना शुरू करेंगे, और शाम को वॉलीबॉल के लिए बच्चे यहाँ ज्यादा से ज्यादा आए। गांव के बच्चों के लिए अपील है जी। ये गांव मंदोला, और कोई आसपास का साथी बच्चा आना चाहे तो वो भी आ सकता है, फुटबॉल भी देंगे उनको, वॉलीबॉल भी देंगे, और हम खुद खिलाने के लिए तैयार रहेंगे उनको। देखिए कोच की भी व्यवस्था है यहाँ पे, जो भी आपको सामान चाहिए खेल का वो भी आपको यहाँ मिलेगा, ग्राउंड भी तैयार कर दिया है। तो बच्चों से रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे गांव के जो इंटरेस्ट लेते हैं वो स्कूल में पहुंचे, या उनको सिखाएंगे भी, टिप्स भी देंगे, और सारी व्यवस्था यहाँ पे है, वॉलीबॉल, फुटबॉल, या ग्राउंड, या पानी वगैरह की जो भी व्यवस्था है, हर चीज व्यवस्था यहाँ मिलेगी। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे आए और खेलों की तरफ थोड़ा बढ़ावा दें और आगे अपना नाम रोशन करें, जिस तरह की बताया कि डीसीएम साहब काफी हमारा यहाँ गांव मंदोला का नाम था तो वो सब कहीं ना कहीं गायब हो गए हैं, तो बच्चे खेलों की तरफ रुझान लें ताकि नशे से भी दूरी बने और कुछ बुरी आदतें या बेकार जो समय आपका जाता है वो भी बचत हो। तो मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।